यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी नेता का शव मिले से हड़कंप मच गया। वाराणसी में बीजेपी नेता का शव मिला है। बीजेपी नेता और किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष बताए जा रहे हैं जिनका शव मिला है। गायघाट इलाके में यह शव मिला है और इससे सनसनी फैल गई, हड़कंप मचा हुआ है। बीएचयू के ऑन्कोलॉजी वार्ड में अचानक वहां से लापता हुए थे। हमारे संवाददाता नीतीश इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। नीतीश, किन परिस्थितियों में शव मिला है, कब से लापता थे, एग्जैक्टली किस लोकेशन पर शव मिला है? जी राजीव, जो जहां पे शव मिला है वो कोतवाली थाना क्षेत्र का गायघाट इलाका है, वहां पर शव मिला है और घाट के किनारे पर मिला है। सबसे बड़ी जो आशंका है वो यही है कि घाट के किनारे पर शव मिला है। अगर गंगा में शव मिलता तो शायद आत्महत्या की आशंका जताई जाती, अन्य बिंदुओं पर भी जांच होती, लेकिन घाट के किनारे जिस तरह से मृतक का शव मिला है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि मृतक बीजेपी का वरिष्ठ नेता बताया जा रहा है, इसके साथ ही किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष भी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसके पहले जिस तरह से सुबह रहस्यमयी ढंग से बीएचयू से गायब होने की जब सूचना फैली थी तो उसके बाद से उनके परिजन और इसके साथ ही पुलिस भी उनकी तलाश कर रही थी, लेकिन जैसे ही शव मिलने की सूचना मिली पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। घरों में उनके अगर बात करें तो उनके घर में रोना पीटना मच गया और अब पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि जांच में कौन से तथ्य निकलकर सामने आते हैं। ठीक है नीतीश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी नेता का शव मिले से हड़कंप मच गया। वाराणसी में बीजेपी नेता का शव मिला है। बीजेपी नेता और किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष बताए जा रहे हैं जिनका शव मिला है। गायघाट इलाके में यह शव मिला है और इससे सनसनी फैल गई, हड़कंप मचा हुआ है। बीएचयू के ऑन्कोलॉजी वार्ड में अचानक वहां से लापता हुए थे। हमारे संवाददाता नीतीश इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। नीतीश, किन परिस्थितियों में शव मिला है, कब से लापता थे, एग्जैक्टली किस लोकेशन पर शव मिला है? जी राजीव, जो जहां पे शव मिला है वो कोतवाली थाना क्षेत्र का गायघाट इलाका है, वहां पर शव मिला है और घाट के किनारे पर मिला है। सबसे बड़ी जो आशंका है वो यही है कि घाट के किनारे पर शव मिला है। अगर गंगा में शव मिलता तो शायद आत्महत्या की आशंका जताई जाती, अन्य बिंदुओं पर भी जांच होती, लेकिन घाट के किनारे जिस तरह से मृतक का शव मिला है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि मृतक बीजेपी का वरिष्ठ नेता बताया जा रहा है, इसके साथ ही किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष भी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसके पहले जिस तरह से सुबह रहस्यमयी ढंग से बीएचयू से गायब होने की जब सूचना फैली थी तो उसके बाद से उनके परिजन और इसके साथ ही पुलिस भी उनकी तलाश कर रही थी, लेकिन जैसे ही शव मिलने की सूचना मिली पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। घरों में उनके अगर बात करें तो उनके घर में रोना पीटना मच गया और अब पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि जांच में कौन से तथ्य निकलकर सामने आते हैं। ठीक है नीतीश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।